नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो सीबीएसई की तरफ से है। सीबीएसई का नया अपडेट आया है आज, जो टेंथ और ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। नंबर वन, उन्होंने कहा है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड में, वो केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पूछे जाएंगे, किसी भी अदर पब्लिकेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नंबर वन उन्होंने ये कहा है आज के अपडेट में। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही है कि चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे, लेकिन चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं, आपने आउट ऑफ सिलेबस न माने। स्टूडेंट्स क्या कह देता है कि क्वेश्चन चैप्टर के जो पीछे क्वेश्चन है उनको पूछ लें तो ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस हो गए वो, सॉरी इन सिलेबस हो गए, या चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो उसे आउट ऑफ सिलेबस मान लिया जाता है, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना जाएगा। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपके पास एक्सरसाइज होती है, एग्जाम्पल भी होते हैं, कंसेप्ट समझाया जाता है, कंसेप्ट समझाया जा रहा है वहाँ पर भी क्वेश्चन वो डिजाइन आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप एग्जाम्पल भी करें और एक्सरसाइज भी करें। दूसरे सब्जेक्ट में आप जो पीछे क्वेश्चन दे रखे होते हैं चैप्टर के, उन्हें करें, लेकिन चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करें, उसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आज बहुत क्लियर कहा गया है, करेक्ट। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि इस साल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, हर सब्जेक्ट में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। उन्होंने कहा कि ट्वेल्थ क्लास में जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो 10 to 12 मार्क्स के आएंगे, और टेंथ क्लास में 8 to 10 मार्क्स के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अभी तक आपके पास जो सैंपल पेपर दूसरे पब्लिकेशनों के पूछ गए हैं, मैं समझता हूं वो सभी सैंपल पेपर एक तरह से आपके लिए बेकार हो चुके हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं समझता हूं किसी भी सैंपल पेपर में शायद डाले नहीं गए होंगे, ठीक है। हाँ, आज के बाद हो सकता है जो नए सैंपल पेपर आए उनमें इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट हों। ये नई बात है, नई बात आपके लिए क्या है कि वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं कि वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन होंगे क्या। एक क्वेश्चन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको इससे क्या वैल्यू मिलती है, ठीक है, आप इससे क्या शिक्षा लेते हो, ठीक है, वो क्या शिक्षा आप उस क्वेश्चन से लेते हो, या आपको समाज को क्या उससे फायदा हो रहा है, या समाज को उससे क्या नुकसान हो रहा है, उसके बारे में आपको अपनी तरफ से कुछ लिखना होगा। ये चीज क्या बन जाती है, वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन बन जाती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपके टीचरों को आपको जरूर करानी चाहिए। हाँ, मैं जो सैंपल पेपर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा उसमें इस बातों का मैं जरूर ध्यान रखूंगा कि चैप्टर वाइज मैं आपके लिए बहुत सारे वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन बनाऊँ। यदि मेरे आप सैंपल पेपर देखना चाहते हो तो ये मेरी वेबसाइट है, उस पर जाकर आप देख सकते हो। मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, आने वाले समय बहुत जल्दी अपलोड किए जाएंगे, ठीक, राइट। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सभी क्वेश्चंस केवल कहाँ से आएंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आएंगे, इसलिए बाहर से मोटी मोटी बुकें करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि आप 100% मार्क्स लाना चाहते हो तो एनसीईआरटी को बहुत ईमानदारी से करिए, कई बार करिए, और अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप सैंपल पेपर करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। यदि आप इतना करेंगे तो मैं समझता हूँ आप निश्चित 100% मार्क्स ला सकते हो। यदि आपको और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर सकते हो। वैसे वहाँ से क्वेश्चन इस साल आने की संभावना है नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ साफ आज कहा है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है सीबीएसई जो कुछ कह रहा है वो उस बात से वो हटेंगे नहीं, और जो कुछ वो कह रहे हैं इस साल उसे ईमानदारी से वो फॉलो करेंगे, क्योंकि आप लोग स्कूल नहीं गए हो तो पेपर ज़्यादा टफ बनने की संभावना नहीं है। इसलिए पूरा ध्यान ये रखा जा रहा है कि केवल एनसीईआरटी में जो 70% सिलेबस है, 30% तो आपके लिए रिड्यूस कर दिया गया है, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो 70% सिलेबस है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस तरह के क्वेश्चनों को करने की जरूर प्रैक्टिस करें। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ जो आपके टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं या हटा दिए गए हैं विशेष तौर से मैथमेटिक्स में, लेकिन उन टॉपिकों पर डिपेंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में आ रहा है या कहीं पर भी आ रहा है तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक इनवर्स यहाँ से हटा दिया गया तो इनवर्स के क्वेश्चन अब बिल्कुल कहीं पर भी नहीं आएंगे, नहीं सर, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आ सकते हैं।
इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ कोर्स है, ये आपने हटा दिया था, ठीक है ना। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। आज के अपडेट से आप अवगत हो गए होंगे और समझ गए होंगे क्या अपडेट है। और हाँ, मन लगा के पढ़ाई करिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, उनको भी नई अपडेट मिल सके, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।